अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात। मैं दिलजीत आपके समक्ष एक बार फिर सुबह के 9 बजे उपस्थित हूँ हमारे खास एपिसोड धर्म गंगा कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम आज उन तथ्यों के विषय में जानेंगे जो सनातन धर्म से उनकी गहरी लगाव है। और इस कार्यक्रम के तहत धर्म गंगा और गंगा शब्द क्या है, गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या तथ्य है, इन्हीं विषय पे आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है धीरज जी महाराज। और महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जहाँ तक गंगा मैया के उत्पत्ति की कथा है, पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर बहुत सारी रोचक कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में एक मुख्य कथा है, भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान बावन। राजा बलि सोमा महायज्ञ कर रहा था, देवताओं में खलबली मची। जो राजा बलि इंद्र के सिंहासन को छीनने के लिए, इंद्र के सिंहासन पे अधिकार पाने के लिए यज्ञ कर रहा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। देवताओं ने अपने कुल गुरु बृहस्पति के पास आग्रह किया, बृहस्पति ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, उनकी कृपा से भगवान बावन का प्राकट्य हुआ। भगवान बावन यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुए। राजा बलि सोमा यज्ञ कर रहा था कुलगुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देश में। जैसे ही भगवान बावन राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुए, उन्होंने कहा, भवति भिक्षा मदेहि, भवति भिक्षा मदेहि, भवति भिक्षा मदेहि। बलि को अतिशय दानी होने का अभिमान था। उसने कहा, बोलो तुझे क्या चाहिए। भगवान बावन ने कहा, मुझे साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पूजन करने के लिए थोड़ी भूमि की आवश्यकता है। राजा बलि ने कहा, जितनी भूमि चाहिए ले लो। शुक्राचार्य ने मना किया, गुरु का कार्य है हमेशा शिष्य को विपत्ति से निकालकर सही रास्ते पे ले जाना। शुक्राचार्य ने कहा, अरे नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु छलिया है, रूप बदल कर आया है। राजा बलि ने कहा, महाराज, अगर भगवान विष्णु मुझे ठग रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान बामन ने कहा, जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं दान स्वीकार नहीं करूंगा, इसके लिए तुझे संकल्प करना होगा। तू अपना हाथ आगे बढ़ा। राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, भगवान बावन अपने कमंडल से उस पर जल डालने लगे। सच्चे गुरु का यह कर्तव्य होता है शिष्य को अंतिम क्षण तक बचाने का प्रयत्न करना। कमंडल में जल गिरने वाली जो नली थी, शुक्राचार्य छोटा स्वरूप धारण करके उस नली में घुस गया, ताकि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। भगवान बावन ने एक कुसा निकाल के उस नली में डाली, शुक्राचार्य का एक आंख नष्ट हो गया। उसके पश्चात जल गिरा, संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का वचन लिया भगवान बावन ने राजा बलि से। प्रथम पग अपना विशाल स्वरूप बनाया भगवान बावन ने, पहले पग में धरती से आकाश तक माप लिए, दूसरे पग में पाताल तक नाप लिए, तीसरे पैर की बारी आई तो राजा बलि से भगवान बावन ने कहा, बता अभी से कहाँ रखूँ। तो राजा बलि की धर्मपत्नी ने कहा, महाराज, अपने पीठ को भगवान के चरण के नीचे बढ़ा दो। तीसरा पैर भगवान विष्णु ने, भगवान बावन ने राजा बलि के पीठ पे रखा। उसी समय 56 कोटि देवी देवता, 88,000 ऋषिगण आकाश से पुष्प की बारिश करने लगे। भगवान बावन के विकराल स्वरूप को देखकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान बावन के पैर के अंगूठे को धोया। उसी अंगूठे से धुले हुए जल से माँ गंगा प्रकट हुई। पहले ऊपर से जल डाला और नीचे से कमंडल लगा दिए ब्रह्मा ने।
भगवान बामन के भगवान विष्णु के अंगूठे के जल में गंगा प्रकट हुई और ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए, मेरु श्रृंग पर्वत से बहते हुए, पाताल लोक से होते हुए धरती पे गंगा आई। मूलतः गंगा अवतरण का यही कथा है। ऐसा देखा जाता है और कथाओं में सुनी जाती है कि भगवान भोले शंकर के जटाओं में चंद्रमा का वास और वहाँ से गंगा की जो प्रवाह था वो गंगा की उत्पत्ति की भी एक कथा वहाँ से शुरुआत होती है, इसका क्या तथ्य है? बहुत रोचक प्रसंग है। मैंने कहा जो भगवान बामन के पैर के अंगूठे से गंगा निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई, मेरु श्रृंग पर्वत पर गंगा गई, इसकी एक कथा है। सूर्य वंश में एक सगर नाम के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा सगर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उसने अपने यज्ञ में घोड़े को छोड़ा। देवराज इंद्र को लगा जो राजा सगर इंद्र के आसन पे बैठने के लिए, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ को किए हैं। सगर के यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिए। तत्पश्चात राजा सगर के पुत्र अपने पिता के यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास आए। आश्रम में राजा के घोड़े को देखा। जैसे ही घोड़े को देखा, सगर के पुत्रों ने कहा, यही चोर है, इसने मेरे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुराया है। संत के पास, ब्राह्मणों के पास साधना का बहुत बड़ा तप होता है। साधना की शक्ति से वह जो भी चाहे सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकता है। जैसे ही सगर के पुत्र कपिल मुनि के तरफ दौड़े, वैसे ही कपिल मुनि के साधना के तेज अग्नि से जलकर भस्म हो गए, उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा सगर के पोते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम के पास अपने पिता चाचा को और यज्ञ के घोड़े को ढूंढते आए। घोड़े को देखा, कपिल मुनि की वंदना की। कपिल मुनि ने कहा, तेरे दादा के यज्ञ का घोड़ा है, ले जा यज्ञ पूर्ण कर। तो उसके बाद अंशुमान ने पूछा, महाराज मेरे चाचा मेरे पिता जो अकाल मृत्यु मरे हैं, उनके मुक्ति का साधन बताइए। तो कपिल मुनि ने कहा, अगर गंगा पाताल लोक से धरती पे आने को तैयार हो तो तेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। अगर गंगा जल का स्पर्श तेरे पिता चाचा के शरीर के जले भस्म से होगा तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब राजा अंशुमान गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ किए। तपस्या करते करते राजा अंशुमान की आयु पूर्ण हुई, वे भगवान के प्यारे हो गए, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। हर पुत्र का ये कर्तव्य बनता है, हर शिष्य का ये कर्तव्य बनता है जो अपने पिता के अधूरे सपने को साकार करे। तो राजा अंशुमान के बाद राजा दिलीप उनके पुत्र गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ किए। राजा दिलीप तपस्या करते करते भगवान के प्यारे हो गए। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र राजा भगीरथ तपस्या करना प्रारंभ हुए। गंगा मैया प्रसन्न हुई, पर गंगा मैया ने कहा, जो एक परेशानी है, मैं धरती पे नहीं आ सकती। तो राजा भगीरथ ने पूछा, जो धरती पे आने में क्या परेशानी है? तो आकाशवाणी से शब्द आई, अगर मैं धरती पे जाऊंगी तो धरती में महाप्रलय आ जाएगा, धरती पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो इसका क्या उपाय है? तो गंगा मैया ने कही, संसार में एक ही देवता है जो मेरे जल के तेज वेग को सहन कर सकते हैं। अगर भगवान शंकर अपने मस्तक पे मुझे धारण करेंगे, अपने जटा पे मुझे धारण करेंगे तो हमारा वेग कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पाताल लोक से चल के भगवान शंकर के जटे पे होते हुए पृथ्वी लोक में को मैं आऊंगी, तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। अब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पाताल लोक से गंगा मैया चली, भगवान शंकर अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ अपने जटा में उसको धारण किए, गंगा की गति कम हुई, कपिल मुनि के आश्रम के पास आई। राजा अंशुमान के चाचा पिता बंधु बांधवों के शरीर के भस्म से स्पर्श हुआ और उस समय से उन लोगों को उद्धार हुआ, वे लोग स्वर्ग गए, बैकुंठ गए अपने कर्म के अनुरूप। तब से ही ये गंगा मैया पृथ्वी पर जन सामान्य के लिए सुलभ हो गई। रंक राजा, वेश्या ब्रह्मचारी, गरीब अमीर, जीव जंतु,
पशु पक्षी सबके लिए ये गंगा सुलभ हुई। सनातन धर्म में गंगा को पवित्र नदी मानी जाती है और गंगा को मैया कहा जाता है, इसके पीछे का क्या तथ्य है? गंगा को मैया क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई रोचक कथाएं हैं। एक तो माँ गंगा और माँ पार्वती दोनों बहन है, एक कथा ये आती है। दूसरी कथा, राजा सगर के पुत्रों का उन्होंने पुत्रवत उद्धार करके उनको बैकुंठ धाम में जगह दिया, ये आती है। तीसरी कथा, बड़ा से बड़ा पापी, बड़ा से बड़ा दुराचारी अपनी माँ के पास जाता है तो वहाँ स्वच्छ शुद्ध और सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही वह गंगा नदी में प्रवेश करता है, स्नान करता है तो वह पवित्र हो जाता है, इसलिए माँ शब्द से उन्हें संबोधित किया गया है। आगे कभी अगर प्रसंग आएगा तो विस्तार से इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। गंगा नदी भारत की प्रमुख नदियों में एक मानी जाती है और गंगा की आने की कथाएं भी अनेकों हैं, लेकिन साइंस जहां तक इस बात को कहती है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस पे अभी तक के मतलब किसी भी तरह की कोई रिसर्च नहीं हो पाया। सनातन धर्म इस विषय में क्या कहता है? देखिए, यहाँ पे साइंस में और सनातन धर्म में थोड़ा सा मत और मतांतर है। सनातन धर्म भूत भविष्य वर्तमान तीनों का बहुत बड़ा पिटारा है। साइंस शोध करती है, ढूंढती है, जो साइंस को दिखाई देता है उसे साइंस प्रमाणिकता के साथ स्वीकार करती है। जहाँ तक हमारे वेदों की बात है, हमारे शास्त्रों की बात है, तो उसके अंदर तो गंगा की विस्तृत कथा मैंने आपको बताया। अध्यात्म के अदृश्य ईश्वरीय शक्ति को साइंस नहीं मानती है। साइंस ये मानती है जो कोई ऐसा वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, जिसे हम अध्यात्म में गॉड, ईश्वर, भगवान के रूप में मानते हैं। साइंस जिस रोज वहां पहुंच जाएगा उस रोज साइंस मानने लगेगा और गंगा के उत्पत्ति की कथा जो आज मैं कह रहा हूँ वही साइंस भी बताएगा। जी बिल्कुल, तो गंगा की उत्पत्ति सनातन धर्म के अनेकों कथाओं में, अनेकों पुराणों में दर्शाती है कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। महाराज जी, आपसे आखिरी मेरा प्रश्न है कि गंगा नदी की जो जल होती है उसको पवित्र माना जाता है, उसके पानी को जब लाया जाता है विभिन्न तरह के पूजा यज्ञ में, उससे जल का उपयोग किया जाता है, उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, वो पीला नहीं पड़ता है, इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, वह सब सर्वप्रथम ईश्वरीय जल है। हमारे वैदिक भाषा में कह लीजिए, सनातन की भाषा में कह लीजिए, तो भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से वह प्रकट हुआ है। उसके बाद पाताल लोक में वह जाकर निवास की और मेरु श्रृंग पर्वत से होते हुए भगवान शंकर के जटा होते हुए पृथ्वी लोक में आई। साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है, पर हमारे पूर्वज हजारों लाखों वर्ष पहले उसको शोध कर लिया और अमृत तुल्य शब्द से उसे संबोधित किए। गंगा जल इतना दिव्य जल है, अमृत तुल्य मैंने इसलिए कहा, जो अमृत के सदृश है, जो अमरत्व प्रदान करता है, जो पवित्रता प्रदान करता है। गंगा जल ऐसा है जैसे कोई भी अच्छे मिनरल वाटर या फिल्टर वाटर को आप ले लीजिए, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद हवा लगने के बाद उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, पर गंगा जल अगर पवित्रतापूर्वक 10 साल भी रखा जाए तो उसमें कीड़े नहीं लगते, उसमें पीले नहीं होते, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त वह गुण डाला गया है जिसके बारे में अपने जिह्वा से प्रमाणिकता प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वह तो ईश्वर ही उसकी प्रमाणिकता प्रस्तुत कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है महाराज जी आपसे कि विभिन्न त्यौहार के अवसर पे, विशेष तिथि के अवसर पे गंगा स्नान करने का जो परंपरा है वो काफ़ी सदियों पुराना है, इसके पीछे की क्या कारण है? सनातन धर्म का मुख्य 4 स्तंभ बताया गया है, ब्राह्मण, गौ, कुश, गंगाजल। गंगा देव नदियां हैं, देवताओं से प्रकट हुई है। गंगाजल के बिना हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार मुख्य आता है, आगे हम विस्तृत 16 संस्कार पे भी चर्चा करेंगे।
कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म, कोई भी यज्ञ, व्रत, दाप, तप, दान, सेवा, समर्पण, कोई भी कार्य गंगा जल के बिना पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पवित्रता और शुद्धता उस जल के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। यही कारण है जो गंगा जल प्रत्येक कार्य में अति उपयोगी वस्तु है। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी मानती है, अगर नियमित रूप से प्रातः और संध्या गंगा जल का सेवन किया जाए तो बहुत सारे असाध्य रोगों का शमन उसके पान से ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए महाराज जी का, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और धर्मगंगा कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों को बारीकी से आपके साथ साझा करेंगे हम और हमारे साथ मौजूद पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। तब तक के लिए नमस्कार।